सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिलियारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम निबंध पढ़ेंगे दीपावली पर, है ना। निबंध में हमारा क्या है टॉपिक, दीपावली। अभी हमने दीपावली का त्यौहार जो है मनाया है, है ना। किस तरीके से मनाया है, क्या क्या किया है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। दीपावली जो है हमारे पूरे भारत में बहुत ज़ोर शोर से मनाने वाला त्यौहार है, है ना। यह जो है त्यौहारों की रानी है। क्या है ये? त्यौहारों की रानी। छोटे तथा बड़े बच्चे बहुत ज़ोर शोर से दीपावली के त्यौहार का इंतज़ार करते हैं, है ना, और इसको बहुत उत्सुकता के साथ मनाते भी हैं। चलिए देखते हैं दीपावली के त्यौहार में हम क्या क्या करते हैं, उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। दीपावली दीपों का पर्व है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की आवली या माला। दीपावली हर पर हर घर के सामने दीपों की माला सजाई जाती है, है ना। दीपावली जो है वो दीपों का पर्व है, है ना। दीप जलाए जाते हैं इस पर्व पर, ठीक है। छोटे बड़े हर वर्ग का आदमी जो है दीपावली का त्यौहार जो है सेलिब्रेट करता है, ठीक है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की आवली या माला, है ना। हमने अपने घरों के बाहर आपने देखा होगा ढेर सारी दीप जलाए जाते हैं, जो ऐसा लगता है कि वो दीपों की माला हो, है ना। आपने अपने घर को दीपों से सजाया हो, दीपों की माला से सजाया हो, ऐसा ही लगता है। तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपों की आवली या माला। दीपावली हर घर के दीपावली पर हर घर के सामने क्या किया जाता है? दीप जलाई जाती है, दीप से सजाया जाता है, ठीक है। यह हर वर्ष कार्तिक माह अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन राम जी रावण को मारकर 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या वासियों ने राम का स्वागत दीप जलाकर किया था, ठीक है। देखिए ये कब मनाया जाता है? यह हर वर्ष, है हर साल, यानी कि हर वर्ष कार्तिक माह अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। अभी चल रहा है ना कार्तिक माह, तो कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन, है ना, इसी दिन राम जी जो है 14 वर्ष वनवास चले गए थे, वो उन्होंने रावण का वध करके, है ना, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो उन्होंने अपने वनवास में किसको मारा था? रावण को। तो रावण का वध करके वो वापस अपने घर कहाँ? अयोध्या आए थे, है ना। तो अयोध्या जो वासी थे, जो राम से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने राम जी का स्वागत कैसे किया था? दीप जलाकर किया था, ठीक है। उन्होंने उसका स्वागत कैसे किया था? दीप जलाकर किया था, ठीक है। अमावस्या के घोर अंधकार में दीपों की माला बड़ी सलोनी लगती है। संध्या होते ही दीप जला दिए जाते हैं। जहां बिजली की सुविधा प्राप्त है, वहां भी बल्ब के साथ साथ लोग दीप अवश्य जलाते हैं, है ना। क्या करते हैं कुछ लोग जो है, जो अमावस्या के घोर अंधकार में, है ना, जब दीप जब जलता है तो ऐसा लगता है, दीपों को देखकर ऐसा लगता है दीपों की माला है, है ना, उसको देखकर मन जो है बहुत ज़्यादा हर्षित होता है। जैसे ही शाम होती है, लोग क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं, जिसके पास बल्ब की सुविधा है, उसके बल्ब जलाने के बावजूद भी लोग दीप जरूर जलाते हैं, है ना, दीप अवश्य जलाते हैं। दीपावली के आने से पहले ही घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़े पटाखे खरीदे जाते हैं। दीपावली 5 दिनों तक मनाते हैं, है ना। दीपावली के आने से पहले हम क्या क्या तैयारी करते हैं? बहुत सारी तैयारियां करते हैं, जैसे कि अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, है ना, उसकी कलर करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, फटाके खरीदते हैं। फटाके खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, है ना, फटाके खरीदते हैं। अब दीपावली सारे त्यौहार जो है वो एक ही दिन का रहता है, लेकिन दीपावली कितने दिनों का रहता है? 5 दिनों तक मनाते हैं। अभी मनाया ना आपने, दीपावली का त्यौहार हम 5 दिनों तक मनाते हैं। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्थी, है ना, और तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा, और चौथे दिन गोवर्धन पूजा, है ना। फिर पांचवें दिन हम भैया दूज मनाते हैं। दीपावली
पाँच दिनों का रहता है और पाँच दिन हम अलग अलग जो है त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, पहले दिन धनतेरस मनाते हैं, दूसरे दिन हम नरक चतुर्थी मनाते हैं, है ना, जिसको चौदस भी कहते हैं, नरक चतुर्थी। उसके बाद तीसरे दिन हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद पाँचवें दिन हम भाई दूज मनाते हैं, यानी कि भैया दूज मनाते हैं। लक्ष्मी पूजा दीपावली की रात्रि को की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा कब की जाती है? दीपावली की रात्रि को। नए कपड़े पहनकर लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूजा के बाद मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, है ना। पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर उस दिन उसके बाद क्या करते हैं हम? नए कपड़े पहनकर पूजा करने के बाद मिठाइयाँ बांटते हैं, फटाके फोड़ते हैं और फुलझड़ियाँ भी जलाते हैं। तरह तरह के फटाके आप खरीदते हैं और उसको हम क्या करते हैं? जलाते हैं, ठीक है। गोवर्धन पूजा, गायों की पूजा की जाती है। इसमें क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा की जाती है, गौ माता की पूजा की जाती है। तथा भैया दूज में, भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की पूजा करती हैं, है ना। जब गोवर्धन पूजा होता है उसके बाद दूसरे दिन कौन सी पूजा की जाती है? भैया दूज मनाया जाता है। तो उस दिन बहनें जो हैं अपने भाइयों की पूजा करती हैं। दीपावली में सब तरफ आनंद रहता है, किंतु कभी कभी घटनाएं भी घट जाती हैं। पटाखे फोड़ते समय हाथ पैर कभी कभी जल भी जाते हैं, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए, है ना। दीपावली में चारों तरफ लोग खुशी का माहौल रहता है, चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया रहता है, है ना। क्योंकि इसको बड़े और छोटे सारे लोग बेसब्री से वेट करते रहते हैं दीपावली के त्यौहार को, और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ घटनाएं घट जाती है, जैसे फटाखों से हाथ पैर जल जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सारी चीज़ों को जलने से बचने के लिए फटाखे को सावधानीपूर्वक फोड़ना चाहिए, है ना, तभी तो हम त्यौहार अच्छे से मना सकते हैं, ठीक है। तो सावधानी बिल्कुल बरतनी चाहिए। वैसे दीपावली त्यौहार की रानी है, यह लक्ष्मी माँ का दिन है। यह त्यौहार दरिद्रता के घोर अंधकार को दूर करने आती है। हम सब एक दूसरे को शुभ दीपावली कहकर बधाई देते हैं, ठीक है। यह जो है क्या है? त्यौहारों की रानी है, है ना। सारे त्यौहारों की क्या है? ये दीपावली रानी है। और यह जो है माँ लक्ष्मी जो है इस त्यौहार में सारी दरिद्रता, यानी कि गरीबी को, है ना, दरिद्रता मतलब गरीबी को, गरीबी के घोर अंधकार को, दरिद्रता के घोर अंधकार को दूर करने के लिए आती है। और हम सब एक दूसरे को क्या कहते हैं? शुभ दीपावली कहकर बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, है ना, ठीक है। तो यह है आपका निबंध दीपावली। आप क्या करेंगे? इस तरह से पिक्चर बनाकर और इस निबंध को लिखकर मुझे सेंड करेंगे।